नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने कहा, भाजपा से नाता तोड़े JMM, तब बनाएंगे राज्य में गठबंधन की सरकार। आधार कार्ड बनाने को लेकर युवा कांग्रेस ने दिया प्रखंड कार्यालय पर धरना। और गरीब तबके के लोगों में सुविधा मुहैया कराएगा जमशेदपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने विष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू उपस्थित रहे। सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू है और इस बीच सभी पार्टियां जोड़ तोड़कर सरकार बनाने की होड़ में लगी हुई है। वहीं बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने कहा है कि JMM भाजपा पार्टी का आशा छोड़ दे तो हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। जब तक JMM संबंध विच्छेद न कर ले तब तक इस सरकार के मसले पर हम कोई पहल नहीं करेंगे। अभी हम बता दें कि उत्तराखंड की कितनी उनसे भी कम है, छत्तीसगढ़ में उनसे भी कम है, स्थिर सरकार है, स्थिर सरकार है। इसलिए ये कहना कि नहीं आंकड़े ज्यादा हो जाएंगे स्थिर सरकार रहेगी और कम होंगे तो नहीं रहेगा, ये सामने एग्जाम्पल पेश किया। ऐसी कोई बात नहीं कि कम संख्या रहेगा तो नहीं, हाँ ये जरूर हो सकता है। जब कम संख्या होते एक एक दो दो आदमी से इधर उधर गोवा का स्थिति होती, कभी इधर से उधर सरकार चले उधर से उधर। हम भी चाहते हैं मगर ये कहना कि नहीं स्थिर सरकार तभी हो सकती है जब 150 होंगे, तो हमको लगता है कि इस बात में दम हम इसे समझ सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए इसके पक्ष पे हम, मगर इसके चलते ही इस तरह की सिचुएशन आ रही है। जनता का है, जनता है, जनता जनार्दन जो चाहेगी वैसा हो रहा है। इस तरह का मैंडेट दे रही है, दूसरे जगह अच्छा से मैंडेट दे रही है, जनपद दे रही है, चला छोटा देखिए हिमाचल देखिए हिमाचल चल रहा है। जनता का जो ये कहें कि जो उसकी मनोभावना है वो इस तरह की है, अभी तक वो लोग एक तरह स्थिर नहीं जिसके चलते ऐसी बातें हो रही है। और उधर जमशेदपुर के पंचायत क्षेत्रों में आधार कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेसियों ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया और एक मांग पत्र BDO को सौंपा। अब तक कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है। लोगों को अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न कैंपों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। पंचायत क्षेत्रों में आधार कार्ड बनवाने के लिए शिविर लगाए जाने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रखंड कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया, साथ ही अपनी मांगों से संबंधित एक मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा। धरना का नेतृत्व कर रहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष परितोष सिंह ने कहा है कि आधार कार्ड बनाने का काम प्रखंड में बहुत मंद गति से चल रहा है। लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान हैं, इसलिए पंचायत स्तर पर आधार कार्ड कैंप को लगाए जाने की मांग इन लोगों ने की है, ताकि लोगों को आधार कार्ड आसानी से मिले। वहीं इन लोगों ने गोविंदपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग भी की है। आधार कार्ड बन तो रहा है मगर जिले में आधार कार्ड बनने की जो गति है वो बहुत सुस्त है, जिससे जो हमारी जो केंद्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है आपका पैसा आपके हाथ, उसमें जिले का चयन नहीं हो रहा है। अगर आधार कार्ड की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी तब केंद्र हमारे जिले को भी पूर्वी सिंहभूम को भी उस योजना के साथ जोड़ेगा, तब जाकर आधार कार्ड के जो संबंधित बैंक अकाउंट रहेगा उसमें जो गरीबों का अभी जितनी भी प्रायोजित परियोजनाओं का पैसा वहां पर पहुंचेगा डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचे। भ्रष्टाचार और पैसे का जो बंदर बांट हो रहा है उससे लोगों को मुक्ति मिलेगी। और आधार कार्ड बनाने के लिए अभी घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। प्रोत्साहन राशि जो BPL परिवारों को दी जा रही है उस राशि का भी सदुपयोग नहीं हो रहा, उसमें भी बंदर बांट हो रहा है। युवा कांग्रेस आज इस धरने प्रदर्शन से ये मांग करेगी कि हर एक पंचायत में एक कैंप लगा कर जल्द से जल्द आधार कार्ड बनाए, ताकि लोगों को ये जो घंटों लाइन में लगने से मुक्ति मिलेगी। और हमारी एक दूसरी मांग है कि गोविंदपुर और आसपास के क्षेत्र में 8-10 पंचायत है, वहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उत्तरी गोविंदपुर, दक्षिणी गोविंदपुर से लेके घोड़ा बांधा हितकू तक एक वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की आज हम लोग यहाँ से मांग करते हैं। आज के समय में जहाँ निजी बैंक अपने उपभोक्ताओं को हर सुविधा के बदले चार्ज करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बैंक ऐसे हैं जो गरीब तबके के लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने को लेकर तत्पर हैं।
इन्हीं में से है जमशेदपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो अपने 12वें स्थापना दिवस पर लोगों के लिए विशेष सुविधा और अन्य आकर्षक ऑफर लेकर आया है। बैंक ने सोमवार को अपना स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मनाया और आम लोगों के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाओं को पेश किया। बैंक के लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बैंक के मुख्य प्रबंधक पीएल दास ने बताया है कि विभिन्न आकर्षक योजनाओं के तहत 455 दिन के लिए जमा कराई गई राशि पर 10.5% ब्याज तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 11% ब्याज देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कैंप लगाकर शून्य बैलेंस पर खाता खोलने का अभियान चलाया जाएगा। बैंक हर तरह के लोन भी उपलब्ध कराएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि छोटे कमजोर वर्गों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनावे, उनकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, और उद्देश्य से मना है कोऑपरेटिव बैंक, इसीलिए हम लोग किसी भी चीज़ को रिन्यू नहीं करने से उसका फिर ये नहीं रह जाता है, आदमी भूल जाता है, इसीलिए हम रिन्यू कर रहे हैं कि हमारा बैंक का लोग नाम जाने और ये सुविधा मिल रही है। क्या क्या सुविधा प्रदान की जा रही है? वो हमने रिलीज में दिया है सारी चीज़ें, बताइए। यहाँ विशेष जमा योजना के तहत 455 दिन के लिए जमा कराई गई राशि पर 10.5% ब्याज मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 11% ब्याज मिलेगा। ये मेन आकर्षण है। और आकर्षण है, हमारे यहाँ दैनिक जमा राशि जमा होती है, डेली कलेक्शन किया जाता है, अच्छा अमाउंट अभी भी मैंने देखा है, लोग 1-1.5 लाख रुपया जमा करके ले जा रहे हैं, बचत करके, डेली बचत करके। उसके अलावा सारे लोन मिलते हैं, मकान लोन है, व्यवसायिक लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, बाइक लोन है, गोल्ड लोन है, ये सब सारी लोन है और भी लोन है, सारी लोन कराई जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर भी लोगों के लिए शून्य बैलेंस का खाता भी खोला गया है और खोला जाएगा अभी, और भी बैंकों की तरह और भी ग्राहकों के लिए जो सुविधा मिलती है वो मुहैया कराई जाएगी, जो नहीं है एटीएम की सुविधा भी सीख ली हम लोग मुहैया कराएंगे। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। केवाल बफर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित चैम्बर भवन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली से आए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के 3 सदस्यों के साथ व्यापारियों ने एफटीआई सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस बैठक में शहर भर के व्यापारी मौजूद रहे, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा रिटेल व्यवसाय में विदेशी कंपनियों को जगह दिए जाने के विरोध में व्यवसायियों ने किया है। देश भर के रिटेल बाजार में विदेशी कंपनियों को जगह दिए जाने का व्यापारियों ने पुरजोर विरोध शुरू कर दिया है। 7 मार्च को इसके खिलाफ व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, लघु उद्योग और रिटेल व्यापार से जुड़े अन्य घटकों के नेतृत्व में दिल्ली रामलीला मैदान में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं इस रैली में जिन दलों ने रिटेल व्यापार में एफडीआई का विरोध किया है, उन दलों के शीर्ष नेता भी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स के महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने बताया है कि केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए विदेशी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर व्यापारियों को नुकसान पहुंचाना चाह रही है। इस ट्रांजिशन पीरियड के दौर में व्यापारियों के ऊपर इस इतने प्रकार के कानून लादे जा रहे हैं, जो कानून प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बड़ी विदेशी कंपनियों को पूरे मौके प्रदान करते हैं कि वो आए और भारत के
रिटेल व्यापार में अपना कब्जा जमा करके उस व्यापार को मोनोपलाइज करें, तो उन लोगों को भारत आने से पहले उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए, उसके लिए सरकार के ये सारे कानून उसका प्रयास कर रहे हैं। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, लघु उद्योग और रिटेल व्यापार से जुड़े अन्य घटकों के नेतृत्व में एक रैली आयोजित की है, जिस रैली में देश भर से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। और उस रैली में जिन दलों ने रिटेल व्यापार में एफडीआई का विरोध किया है, उन सभी दलों के शीर्ष नेता भी मौजूद होंगे। और बाकी की खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और रुक करते हैं सीताराम डेरा की ओर। झाबीमो जिला कमेटी ने सीताराम डेरा मंडल में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें सीताराम डेरा मंडल अध्यक्ष सहित भारी मात्रा में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आने वाले चुनाव को लेकर सीआईसी माहौल गर्म है। क्षेत्रीय तथा केंद्रीय राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर आने वाले चुनाव पर लगाने वाले हैं। इसके मद्देनजर झाबीमो सीताराम डेरा मंडल ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से सीताराम डेरा मंडल में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई तथा रुके हुए कार्य को कैसे जल्द से जल्द किया जाए, इस पर चर्चा की गई। तो यहाँ के अगल बगल के जो क्षेत्रों में विकास का काम किस प्रकार हुआ है और क्या होना चाहिए था, इन बातों की परिचर्चा के लिए हम लोग सब एक जगह बैठे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जो बहुत जगह पोल के जगह में बांस का पोल गाड़ के नंदनगर है, कानू भट्टा है, और इस क्षेत्रों में उसके द्वारा तार खींचा गया है जो कि कभी भी दुर्घटना घट सकता है। तो वहाँ पर जितने भी ऐसे पोल है उसको चिन्हित करके लिखा गया है, जहाँ पर तार की आवश्यकता है वो लिखा गया है, जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी भी समस्या को लिखा गया है, और आगे किस प्रकार इस क्षेत्र को विकास करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा होनी चाहिए, इन सब बातों की भी परिचर्चा हुई है। और साथ ही साथ अब कभी भी चुनाव आ सकता है, इसके लिए संगठन को मजबूत रखने की आवश्यकता है, तो निर्देश दिया गया है स्थानीय कमेटी को जो अपने बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत बनाए, इन बातों की यहाँ चर्चा हुई है। और उधर आसू कार्यकर्ताओं की टीम ने जिला मुख्यालय पहुंच खोड़ा बांदा स्थित करुण पासा सरकारी जमीन अधिग्रहण मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन जमीनों को खाली कराने से पहले यह जांच करे कि उन गरीबों को जमीन किसने और कैसे बेचा। इन्होंने मांग की है कि जमीन बेचने वाले को पहले जेल भेजा जाए, उसके बाद आम जनता के ऊपर कार्रवाई की जाए। गरुड़ भाषा जो है, गरुड़ भाषा में जितने भी सरकारी जमीन है उसको खाली कराने का आदेश जो है सरकारी विभाग के तरफ से किया गया है, मगर हमारा यहाँ मांग है, डीसी महोदया से हम लोग मांग करने आए हैं, मगर डीसी महोदया तो नहीं, उनके एवज में एडीएम साहब से बात हुई, हमने मांग की है कि भाई जिस तरह से वहाँ के गरीब लोगों के ऊपर प्रताड़न यहाँ पे किया जा रहा है, उसके बदले वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने जमीन बेचा है, प्रशासन के मिली भगत के साथ मिलकर के जिन्होंने जमीन बेचा है, सबसे पहले उनको जेल भेजा जाए, उसके बाद वहाँ पे आम जनता के ऊपर कार्रवाई। मांग पूरी नहीं हो तो आगे क्या? मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग करीबन एक हफ्ता का समय दिए हैं, एक हफ्ता में रोड पर उतर कर आजसू पार्टी के बैनर तले एक उग्र आंदोलन करने की तैयारी रणनीति चल रही है, और ठीक एक हफ्ता के बाद डीसी ऑफिस के सामने में हम लोग यहाँ पे एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम किया गया। और उधर सीताराम डेरा स्लैग रोड में बस के परमिट के विवाद के कारण एक बस मालिक ने दूसरे बस के मैनेजर संतोष कुमार ठाकुर को रॉड व बेस बैट से पीट कर जख्मी कर दिया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी संतोष ने बताया कि वह भगवान बस का मैनेजर है, उसके बस मालिक गुड्डू सिंह का प्रिंस बस के मालिक मदन सिंह के साथ मार परमिट का विवाद चल रहा है, जिसके कारण मदन सिंह ने सीताराम डेरा स्थित स्लैग में अकेला पाकर उसे और उसके साथी को रॉड व बेस बैट से पीट कर जख्मी कर दिया। भगवान बस के कर्मचारियों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया और सीताराम डेरा थाना में इसकी सूचना दी। हम लोग गाड़ी छोड़ के अपना घर तरफ जा रहे थे। कौन गाड़ी? भगवान बस। तो हम लोग अपना घर जा रहे थे, तो हम थे और मेरा दोस्त थे, तो आपका स्लैग रोड गंगोत्री फ्लैट का आगे में। क्या नाम आपका दोस्त का? पिंटू कुमार सिंह। तो जा रहे थे तो उधर से मदन सिंह इनोवा से आ रहे थे और गाड़ी रोक कर हम लोग को अब गाली गलौज करने लगे, तो हम लोग मना किए, तो उसी में डंडा से निकाल के हम लोग को पीट दिए। उसके बाद बोलते हैं कि
आपका कि यदि तुम थाना पुलिस करेगा तो जान से मार के कहीं भी फेंक देंगे। ये कौन है? गुड्डू सिंह। ये गुड्डू सिंह भगवान बस का मालिक है। और आप लोग खुद मारे हो? कौन है वो? मदन सिंह है, सिंह प्रिंस बस का। क्या भी बात था दोनों में? अब उन लोग आपस का सा चल रहा है परमिट वर्मिट का, ना अंदर में क्या प्रॉब्लम तो हम लोग को नहीं जानकारी है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट फोर इयर्स परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75-80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिस टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड बोल्डली स्पीक इंग्लिश विद एक्सपीरियंस ट्यूटर इन अवर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। कंसल्टेंसी, कॉन्टैक्ट फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग, मेडिकल, BCA, BBA, MCA, MBA, पॉलिटेक्निक इन टॉप कॉलेजेस इन कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो। संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श लें। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता, गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर, एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चौका बारीडी निवासी शांति मणि को बकरी चराने के क्रम में कोबरा सांप ने डस लिया, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शांति मणि के पति धनंजय ने बताया कि उसकी पत्नी घर का काम करके बकरी चराने जंगल गई थी। बकरी चराने के क्रम में कोबरा सांप ने उसके सर में डस लिया। कोबरा के डसने के बाद वह किसी तरह घर आई और इसकी सूचना घर वालों को दी। घर वालों ने इलाज के लिए उसे MGM अस्पताल में भर्ती कराया। यहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। क्या हुआ था? वो सांप ने काट दी। क्या करने, कहां पर? बकरी चराने गई थी, वो झाड़ी के ऊपर में सिर में काट दी। कौन सांप था? नाग सांप। नाग सांप था। कितना देर पहले काटी है? वो लगभग 10 बजे के आसपास से लगभग। यहाँ आपको दवा मिला, सुई दिया? और उधर विष्णुपुर पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी के आरोप में जुक्सलाई निवासी बिटियानंद वर्मा व कदमा निवासी विजय कुमार दास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल भेजने से पूर्व पुलिस ने दोनों आरोपियों का MGM अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। सर, क्या आरोप है दोनों पर? मोबाइल चोरी। दोनों। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया, जाने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास।
आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 साकी 1934 से शुरू ऋतु माघ मास शुक्ल पक्ष आज महानंदा नवमी दिन मंगलवार रोहिणी नक्षत्र होगा। दिन 2:20 तक आज राहु काल का समय होगा। अपराह्न 3:00 से लेकर सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि मालिक मंगल आज आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम की उत्तम योग रहेंगे। सहसा आपके कार्य बनेंगे। इष्ट मित्रों का सुख प्राप्त होगा। सुखद समाचार भी आपको मिलेंगे। वाहन सुख भी आपके लिए है आज के दिन। व्यवसायी गण व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र वाले आज परचम लहराएंगे। वृक राशि मालिक शुक्र आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। इष्ट मित्रों का सहयोग लें। प्रातः काल उठकर के माता पिता को प्रणाम करें। इसके बाद अपने मस्तक पर आप लाल चंदन का लेपन करेंगे। कुमकुम का लाभप्रद सिद्ध होगा। रही बात आज के दिन व्यवसायियों का, व्यवसायी बिल्कुल खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहणियां भी आनंदित रहेंगे। मिथुन राशि मालिक बुध धनागम की रहेंगे उत्तम योग, लेकिन हाँ आज आपको शनि कार्य करना पड़ेगा। विशेष करके अपने शत्रुओं से आपको बचना होगा। शत्रु आज आप प्रभारी पड़ रहे हैं। रिप मर्दन की योजनाएं आज बनाने के लिए आप ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करेंगे। लाभप्रद सिद्ध होगा आपके लिए। कर्क राशि मालिक चंद्रमा धनागम के साथ साथ आपकी अपव्यय के योग बन रहे हैं। और हाँ वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आज के दिन नुकसान पहुंच सकता है विद्यार्थियों के लिए, नवयुवकों के लिए। रही बात व्यवसायियों की, व्यवसायी खुशहाल रहेंगे और गृहणियां भी आनंदित रहेंगी। आपके लिए उत्तम तरीका है प्रातःकाल हनुमान जी के आप बदन में सिंदूर का लेपन करेंगे। लाभप्रद होगा। सिंह राशि मालिक सूर्य होंगे आप बड़े प्रतापी। मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोट की होगी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग हो रहे हैं। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। नवीन योजना भी सफल होंगी। आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे और गृहणी आनंदित रहेंगी। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कन्या राशि मालिक बुध आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं ईश्वर की असीम कृपा के पात्र होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आप प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करके आप घर से निकलें। माता पिता को भी प्रणाम करें और हनुमान जी को आप तुलसी दल लगा के भोग अर्पण करते हैं, वह आपकी सारी मनोकामनाओं को सिद्ध करेंगे। तुला राशि मालिक शुक्र आज आप किसी भी व्यवधान से उलझन में पड़े रहेंगे। शत्रु भी आज आप प्रभारी रहेंगे। घर में छोटे मोटे झगड़े झंझट आदि होंगे, तो आप मित्रत्व व्यवहार रखें। अपने पानी पर और क्रोध पर आप सहम रखते हैं तो आपके सारे बिगड़ते कार्य बनते जाएंगे। रही बात धनागम की, तो धनागम के सामान्य योग हैं। आज के दिन निराश हो सकते हैं विशेष करके व्यवसायी गण। रही बात विद्यार्थियों की, विद्यार्थी गण खुशहाल रहे। वृश्चिक राशि मालिक मंगल तो आज तो आपका मंगल ही मंगल होगा। हनुमान जी की असीम कृपा है। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। अली प्रातः काल से आप नई स्फूर्त के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। आज के दिन व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे और गृहणियां भी आनंदित रहेंगे। धनुराशि मालिक बृहस्पति आज आपको उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बहुत दिन की बिछड़े हुए मित्र भी मिलेंगे और सुखद समाचार भी आज आपको प्राप्त होगा। भविष्य आज बनने वाला है विद्यार्थियों का। आज विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम लहराएंगे। मकर राशि मालिक शनि आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न।
धनागम के लिए कठिन परिश्रम का योग बन रहा है तो धैर्य धारण करें। आप प्रातः काल उठ करके आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को भोजन कराते हैं और कुत्ते को रोटी और गुड़ एक साथ में खिलाएंगे जो आपके भविष्य का रास्ता खोल देगा और बहुत आप आनंदित होंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, उज्जवल भविष्य आज रहेगा, विशेष करके विद्यार्थियों का और व्यवसाय गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। दुनिया भी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन राजनेता भी प्रसन्नचित रहेंगे, उच्च अधिकारियों से आज मुलाकात होने के योग बन रहे हैं, तो आज आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आनन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है, आपके बीच के मित्र ही नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। आप प्रातःकाल हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान अष्टक का पाठ करके आप घर से निकलेंगे, मस्तक पर लाल चंदन का लेपन करें और साथ ही साथ एक लाल फूल आप जेब में डाल करके यदि यात्रा करते हैं तो आपकी मंगलमय यात्रा होगी। और आज के दिन व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे, राजनेता भी परम आनंदित रहेंगे। और किसी भी अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि परम बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने कहा, भाजपा से नाता तोड़े JMM, तब बनाएंगे राज्य में गठबंधन की सरकार। आधार कार्ड बनाने को लेकर युवा कांग्रेस ने दिया प्रखंड कार्यालय पर धरना। और गरीब तबके के लोगों में सुविधा मुहैया कराएगा जमशेदपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriya-lokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए गुरु राष्ट्रीय लोकवाणी की तरफ से इजाजत। नमस्कार।